नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। भोजन की लंबी चर्चा के बाद अब नींद पर भी थोड़ी सी चर्चा कर। बड़ा जटिल प्रश्न है नींद का, बुलाने की जरूरत नहीं होती, बिना बुलाए ही आ जाते हैं। और रसोई बनाते शायद नींद नहीं आती होगी, कपड़े की सिलाई करते समय नींद नहीं आती होगी, गप्पे हाँकते समय नींद नहीं आती होगी और सिनेमा देखते समय भी नींद नहीं आती होगी, किंतु ध्यान के लिए बैठे तो वह ध्यान में बैठना जैसे चित्त को निर्मल बनाने का अवसर है, उतना ही अवसर नींद को लेने का है। दोनों के लिए समान अवसर है और क्या नींद के लिए बहुत अच्छा अवसर है। ऐसे सोते समय भी पूरी नींद नहीं आती होगी, जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए ये नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं, ध्यान और कायस्थ की स्थिति में बैठ जाए तो उनका काम हो जाएगा। वरदान है, हाँ अपने आप काम हो जाएगा। पर कठिनाई तो तब होती है बैठते हैं ध्यान के लिए और नींद सबसे पहले अपना आसन बिछा देती है, वे तो पूरा आसन बिछा ही नहीं पाते और नींद पहले ही अपना आसन बिछा देती है, बड़ी कठिनाई होती है। नींद और जागरण दोनों साथ जुड़े हुए हैं, जागना और सोना नींद लेना दोनों बातें हैं। कितना खाए, जैसे प्रश्न है, खाने के बारे में कोई नियम नहीं बनाया जाता क्योंकि हर व्यक्ति की भूख अलग अलग होती है, कोई सामान्य नियम नहीं बनता। कैसे बन सकता है, भूख के अपने अपने नियम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी था किसान, तो किसी ने बता दिया कि भोजन करो तो बीच में पानी पी लिया करो, बहुत अच्छा है। अब पकड़ता है तो पूरी पकड़ता है, अनपढ़ आदमी बहुत जल्दी पकड़ता है बात को, अब पकड़ता उसे छोड़ता भी नहीं जल्दी से, तो बीच में पानी पीने लगा। चार रोटियां खाता था, दो रोटी खाता पानी पी लेता और वे जारी जोड़ी रोटियां। एक दिन भूल गया, पत्नी से बोला आज तो पानी पीना भूल गया, बीच में याद नहीं दिलाया तो मैं भी भूल गई, तो कोई बात नहीं लाओ पानी लाओ। अब कैसे पियोगे, बीच में पीना है तो क्या फर्क पड़ेगा, चार खाइए चार रोटियां और लाओ पानी भी लाओ, चार रोटियां भी ले आओ। नियम नहीं बनता, आदमी के लिए अलग अलग पाचन की शक्ति होती है, तो नींद के लिए भी नियम नहीं बनता कि कितनी नींद लेनी चाहिए। एक व्यक्ति दो चार घंटा नींद लेकर भी और पूरी शक्ति का ताजगी का अनुभव करता है, क्योंकि सात आठ घंटा सो जाता है तो भी उनका ही रहता है, उनका ही रहता है। देखता हूँ बहुत बार, अपनी स्थिति की तुलना करता हूँ। आचार्य श्री 12 बजे सोते हैं और मैं भी 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाते हैं मैं भी उठ जाता हूँ, पर आचार्य श्री कहते हैं कि नींद जमा नहीं रहती। मुझे लगता है कि नींद जमा रहती है, अलग अलग स्थिति होती है। बहुत कम सोते हैं आचार्य वर्ग और फिर भी कभी ये महसूस नहीं करते कि भार है या कर्जा चढ़ गया तो उसे उतारना है, किंतु मुझे अनुभव होता है कि भार है इसे उतारा जाए, कमी को पूरा किया जाए। तो अलग अलग स्थिति होती है, नींद के बारे में कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता कि कितना समय नींद में लगना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है साधना की दृष्टि से, और उस पर साधना करने वाले व्यक्ति को तो ध्यान देना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि आज की सारी संस्कृति और सभ्यता बदलती जा रही है। आज 8 बजे उठने की संस्कृति पनप रही है, सूर्योदय की बात छोड़ दें, 8-9 बजे तक सोते रहना तो आज सामान्य बात होती जा रही है।
कभी कहा गया था 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शायद कुछ समय के बाद तो वह बात भी एक कल्पना की बात हो जाएगी। जैसे राजा लोग कल्पना की बात बन गए, वैसे ये 4 बजे उठने की बात भी शायद कल्पना की बात बन जाएगी। हमारा ये कोई आग्रह नहीं कि 8 बजे न उठा जाए, ठीक है। जिनको बहुत व्यवसाय करना है, धंधा करना है, व्यस्त रहना है, व्यस्तता में जीवन को बिताना है, वे 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 12 बजे उठे, किसको आपत्ति हो सकती है। किंतु साधना की दृष्टि से सोचने वाले व्यक्ति को इस पर जरूर ध्यान देना होगा कि एक समय का अपना मूल्य होता है और आज उसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी हो सकती है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से हम इसकी व्याख्या करें, हमारा जो पीनियल ग्लैंड है और एक एड्रिनल, पीनियल ग्लैंड से 2 स्राव होते हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। ये 2 हार्मोन्स स्रवित होते हैं और भी बहुत सारे हैं, पर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब जो मेलाटोनिन है वे काम पर नियंत्रण करने वाला है, सारे काम वासना को जगाने वाले हार्मोन्स ऊपर से आते हैं, पिनियल से आते हैं, और उनको नियंत्रण करने वाला है मेलाटोनिन। वह 4 बजे तक, 3 या 4 बजे तक वृत्ति पर नियंत्रण रखने का काम करता है और 4 बजे के बाद प्राण के प्रवाह को भरने लगता है। हमारे शरीर में रोज प्राण का प्रवाह आता है, प्राण आता है, हम बाहर से आकाशमंडल से बहुत प्राण लेते हैं, तो जब तक मेलाटोनिन अपना काम नहीं करता, प्राण के प्रवाह को हम भीतर में ले नहीं सकते। तो ये 4 बजे का समय है कि उस समय प्राण का प्रवाह मेलाटोनिन के द्वारा पूरे शरीर में भरता है, नई स्फूर्ति और नई चेतना जागती है। बहुत सारे आकाश मंडल से आने वाले विकिरणों का अनुदान का समय होता है ये 3 और 4 बजे का। इसीलिए बतलाया गया कि ध्यान का सबसे अच्छा समय है 2 बजे के बाद और 4 बजे तक। जो पुब्बरत्ता वरक्त काले, वरक्त काले यानी पूर्व रात्र और अपरात्र यानी 12 बजे के बाद का समय, संपिक्खये अप्पगमप्पयेणम्। आप रोज सुनते हैं हमारा घोष शिक्षा ध्यान का, संपिक्खये अप्पगम, अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप को देखता है। तो ये समय एक साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, रात्रि के 12 बजे के बाद 4 बजे तक का या 5 बजे तक का। इस समय जो व्यक्ति उठता है वह प्राण से भरा हुआ अनुभव करता है, स्फूर्ति से अपने आप को भरा हुआ अनुभव करता है, और बाद में सोने वाला सोता है, नींद भी लेता है, उठता है तो आलस्य से भरा हुआ, थकान से भरा हुआ, और उठ जाने के बाद भी ऐसा अनुभव करता है कि पूरी ताजगी आई नहीं। तो नींद और जागरण पर और लंबी चर्चा न ही करें। मानसिक बल को बढ़ाने के लिए कम नींद लेना बहुत जरूरी है, बहुत सोना बहुत खराब है। सोने में एक हानि तो प्रत्यक्ष है, आपने सुना उस दिन कि सोते समय हमारे श्वास की संख्या बढ़ जाती है, 15 से 18 श्वास हो जाते हैं। श्वास की संख्या बढ़ती है नींद में, तो श्वास की संख्या बढ़ना स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु का अभ्यास कर लेता है कि नींद की स्थिति भी समाप्त हो जाती है। जैसे कुछ व्यक्तियों को भोजन की जरूरत नहीं होती तो कुछ व्यक्तियों को फिर कभी नींद लेने की जरूरत नहीं होती। अप्रमत्त मुनि नींद नहीं लेता, निर्कल्पी मुनि बहुत थोड़ी नींद लेते हैं, और यथालंदक निरंतर अप्रमाद की साधना करने वाला नींद से परे हो जाता है। भगवान महावीर ने
अपने पूरे साधना काल में इतने लंबे 12 वर्ष से ज्यादा लंबे साधना काल में केवल कुछ मिनटों की नींद ली, एक घंटा भी नींद नहीं, इस स्थिति को भी प्राप्त किया जा सकता है। आहार और नींद, इन दोनों पर ठीक विचार करें तो ये दोनों हमारे मानसिक विकास में, मनोबल के बढ़ाने में बहुत सहयोगी बनते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारे शरीर की शक्ति, स्फूर्ति, प्राणवत्ता है बढ़े, और जो इस साधन के द्वारा बढ़ती है वह विकास के लिए होती है, दूसरे के भलाई के लिए होती है। शक्ति दूसरे स्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है, आप एकांतता इसी बात को स्वीकार न करें, शक्ति बढ़ाने के दूसरे स्रोत भी हैं, ऐसे पदार्थ भी हैं, ऐसे औषधियां भी हैं कि जिनके द्वारा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। किंतु एक अंतर आएगा पदार्थों से और दूसरे प्रकारों से बढ़ाई हुई शक्ति शायद पछाड़ने वाली शक्ति होगी, और अपने भीतरी स्रोतों से बढ़ाई जाने वाली शक्ति उठाने वाली शक्ति होगी। एक बच्चे से कहा गया कि तुम मल्ल बनो, पूरा बच्चा नहीं था, थोड़ा समझदार हो गया था, मल्ल बनो। क्यों, किस लिए? कि मल्ल बड़ा ताकतवर होता है, ये तो ठीक बात है, ताकतवर तो मुझे बनना है। और बताने वाला बोलता गया तो इतनी ताकत उसमें होती है कि सामने जबरदस्त से जबरदस्त व्यक्ति को पछाड़ देता है। वह बोला नहीं बनूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं ताकतवर तो बनूंगा, मुझे शक्ति चाहिए, किंतु वह शक्ति नहीं चाहिए जो दूसरे को पछाड़ सके, मुझे वह शक्ति चाहिए जो दूसरे को उठा सके। शक्ति होती है पर शक्ति के दो रूप हो जाते हैं, ये साधना के द्वारा और अपने भीतरी स्रोतों के द्वारा, आहार और नींद के संयम के द्वारा जो मन की शक्ति बढ़ती है वह दूसरे को उठाने वाली शक्ति होती है, दूसरे का कल्याण और भलाई करने वाली शक्ति होती है, और दूसरे दूसरे स्रोतों से प्राप्त होने वाली शक्ति खूब तेज पदार्थ और ऐसी औषधियाँ जो बहुत तामसिकता को बढ़ाती है, शक्ति तो बढ़ जाती है पर दूसरे को पछाड़ने वाली शक्ति बढ़ती है। हम स्वयं अपना निर्णय करें, विवेक लें, ऐसी शक्ति का अर्जन करें जो स्वयं को उठाए और दूसरे की चेतना को भी उठा सके।